इंसाफ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आरएनबी 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 पीएमजी समाज भाई पीएमजी भाई आरएनबी पीएमजी भाई आरएनबी पीएमजी भाई हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं पीएमजी भाई आरएनबी आरएनबी हाँ सर, अब हमारा मसला इस्तदा आप लोगों से यही है कि मेहरबानी करके हमारी जो ये रोड है ना, हमें ब्रिज है यहाँ से ना मैं आगे से ब्रिज है, बीच में हमें टंगा के रखा हुआ है। मेहरबानी, हम इस्तदा गवर्नमेंट से यही करते हैं, यानी कि ये खबर हमारी डी सी साहब को पहुँच सकती है, हम डी सी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अजरा अनायत मेहरबानी करके ये हमारी रोड का पुल ब्रिज हमें रेल के साथ कंटेक्ट किया जाए, बस ये मेहरबानी होगी। नाम है मुश्ताक अहमद, मैं रेल खोड़ का रहने वाला हूँ, गुजर बस्ती का। लेकिन जनाब इधर मुतालबा हमारा यही है कि जो आप लोगों के ये रोड ली है इसमें हमें बताया कि मुआवजा मिलेगा आप लोगों को। रोड लेके 3 साल हो गए जनाब, हमें ना मुआवजा है ना कुछ है। किसी के पास जमीन का 10 मरला है, उसमें भी 4 मरला रोड में गया। ये बेचारा एक गरीब यतीम लड़के की जमीन है, यहाँ से देखो कितने 17.5 मरला इसका जा रहा है, लेकिन इस बेचारे को कुछ नहीं। यतीम एक लड़का है, उसका कोई भी नहीं है, बिल्कुल यतीम लड़का है। आप उसको देखो बेचारे को 17.5 मरला उसका रोड में गया, ये किस मुआवजे में गया? गवर्नमेंट इसके लिए क्यों नहीं कर रही है? अब जब हम दफ्तरों के चक्कर काटते हैं बोलते हैं नहीं ये आप लोगों ने लिख के दिया बिला मुआवजा जमीन, आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के खाते में मुआवजा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट का कोई काम है वहाँ मुआवजा नहीं मिलता है। सरकारी बिल्डिंगे बनाती है वहाँ नहीं बनाते, वो खर्चे कर दे। लेकिन हमारे ये रोड का मुतालबा है, रोड का हमारा क्यों नहीं मसला हल हो रहा है? यहाँ से भी हमें नहीं ब्रिज है, वहाँ से भी ब्रिज ने बीच में रोड निकाल के हम लोगों को टंगा के रख दिया, ना रोड है ना कुछ है। देखो ब्रिज का मसला भी है, लेकिन ये जो हम लोगों को किसी के पास 5 ही मरला है उसमें भी 3 मरला रोड में गया, किसी के पास 2 ही मरला है वो भी रोड में गया, लेकिन हम लोग कहाँ जाए? हमें बताए गवर्नमेंट, हम क्या अपना मुतालबा चाहते हैं, हमारे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें सबको इंसाफ चाहिए, हमारे इस रोड का मुआवजा मिलना चाहिए। माय नेम इज मोहम्मद इमरान भट्ट, विलेज रविल, सरपंच इस इलाके का हूँ, जिसका नाम रविल है। आज जो यहाँ पर जो आप मेरे साथ जो इन पब्लिक इन लोगों को देख रहे हो, ये इस घर से आज यहाँ आए हैं, काफ़ी गरीब हैं, इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इन्हें एक रोड यहाँ से सेंक्शन हुआ था, यानी कि बैक टू विलेज में रोड एक आया था और रोड का अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये चाहते हैं, ये हर रोज़ मेरे पास आते हैं कि आप रोड का काम स्टार्ट क्यों नहीं करवाते हो। मैंने कहा कि मैं गया हूँ डीसी साहब से भी बात की कि आप इस रोड का जल्दी काम स्टार्ट कर दो, ताकि ये जो वार्ड मेरा है इसको ठीकरी पत्ती हम कहते हैं, इनमें से 200 चूल्हे कम से कम यहाँ हैं और इनके पास जब यहाँ विंटर में बर्फ़ होती है कम से कम 15-20 फुट, तो इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ ये अपने घर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि रोड यहाँ पर है ही नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी वसादत कि आप ये डीसी साहब तक पहुँचाइए बात, या गवर्नर साहब तक, कि इनका जो हमें रोड यहाँ पर आ चुका है, इनके लिए जो रोड सैंक्शन हुआ है उस रोड को हमें जल्दी काम शुरू कर दे, ताकि ये जो गरीब है इन तक यहाँ पर गाड़ी पहुँची, इनके लिए अल्लाह ताला बचाए कि कभी इनके मकान भी जल सकते हैं तो इनके लिए फायर सर्विस भी यहाँ पर आ सकती है, और कभी इनको यहाँ कोई इतना बीमार होता है कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं पहुँचती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब गांधरबल से कि अगर ये रोड सेंक्शन हुआ है तो इसका काम शुरू क्यों नहीं होता है, इसका काम भी शुरू कर दीजिए, और इसके बाद जो ये हमारा वार्ड है इसको कनेक्टिविटी हमारे पूरे विलेज से कर दीजिए, ताकि यहाँ पर इनके पास गाड़ी भी पहुँचे, एम्बुलेंस भी पहुँचे, और इनको दूर मतलब दूसरे गांव में सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपका नाम क्या और कहाँ पर रहते हैं? माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान भट्ट, विलेज रविल, सरपंच इस इलाके का हूँ, जिसका नाम रविल है। आज जो यहाँ पर जो आप मेरे साथ जो इन पब्लिक इन लोगों को देख रहे हो, ये इस घर से आज यहाँ आए हैं, काफ़ी गरीब हैं, इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इन्हें एक रोड यहाँ से सेंक्शन हुआ था, यानी कि बैक टू विलेज में रोड एक आया था और
रोड का अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये चाहते हैं, ये हर रोज मेरे पास आते हैं कि आप रोड का काम स्टार्ट क्यों नहीं करवाते हो। मैंने कहा कि मैं गया हूँ, डीसी साहब से भी बात की कि आप इस रोड का जल्दी काम स्टार्ट कर दो, ताकि ये जो वार्ड मेरा है इसको ठीकरी पत्ती हम कहते हैं, इनमें से 200 चूल्हे कम से कम यहाँ हैं, और इनके पास जब यहाँ विंटर में बर्फ़ होती है कम से कम 15-20 फुट, तो इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ ये अपने घर तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि रोड यहाँ पर है ही नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी ये वसादत कि आप ये डीसी साहब तक पहुँचाइए बात, या गवर्नर साहब तक, कि इनका जो हमें रोड यहाँ पर आ चुका है, इनके लिए जो रोड सैंक्शन हुआ है उस रोड को हमें जल्दी काम शुरू कर दे, ताकि ये जो गरीब है इन तक यहाँ पर गाड़ी पहुँची, इनके लिए अल्लाह ताला बचाए कि कभी इनके मकान भी जल सकते हैं तो इनके लिए फायर सर्विस भी यहाँ पर आ सकती है, और कभी इनको यहाँ कोई इतना बीमार होता है कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं पहुँचती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब गांधरबल से कि अगर ये रोड सैंक्शन हुआ है तो इसका काम शुरू क्यों नहीं होता है, इसका काम भी शुरू कर दीजिए, और इसके बाद जो ये हमारा वार्ड है इसको कनेक्टिविटी हमारी पूरे विलेज से कर दीजिए, ताकि यहाँ पर इनके पास गाड़ी भी पहुँचे, एम्बुलेंस भी पहुँचे, और इनको दूर मतलब दूसरे गांव में सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना।